अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरूख सहर गोइंदी। आफिया अनहर्ड एक किताब और जमहूरी पब्लिकेशन, जिसका लोगो ही यह है इंडिपेंडेंट एंड प्रोग्रेसिव बुक। जमहूरी पब्लिकेशन गो एक कमर्शियल अदारा है और इसका कोई डोनर नहीं। इसके डोनर इसके रीडर्स हैं। पाकिस्तान में ये अपने हवाले से एक मुनफरिद अदारा है और इसके पीछे एक बड़ी लंबी दास्तान है जद्दोजहद की। चूंकि ये लोगों को बाएं बाजू की किताबें पढ़ाने के लिए बनाया गया, इस अदारे में मेरा किरदार पहला और आखिरी किरदार एक एडिटोरियल का किरदार है, एक एडिटर का किरदार है। और हमारे इस अदारे में, जमहूरी पब्लिकेशन में, जो एडिटोरियल की जिम्मेदारी है उसको मैं निगरानी करता हूं। जब ये किताब मेरे पास आई, आफिया अनहर्ड, तो मैं आफिया सदीकी से कतन मुतासिर नहीं, उनके नजरियात से कतन मुत्तफिक नहीं। लेकिन जब ये किताब आई और दाऊद गजनवी साहब मेरे पास ये किताब लाए, तो मैंने इसको फौरन रिजेक्ट किया। लेकिन मैंने कहा ये किताब मुझे दे जाए। किताब पढ़ने के बाद मैंने खुद इनको फोन किया कि हम ये किताब छापेंगे। हमने ये किताब इंग्लिश में भी छापी और उसके बाद उर्दू में भी छापी। और मुझे बड़ा दुख है, उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, जिन लोगों ने पाकिस्तान में मजहब के नाम पर आफिया सदीकी के मुकदमे पर सियासत की, सड़कों पर जुलूस निकाले, टेलीविजन पे टॉक शो किए, अपनी हीरोशिप बनाई, उन लोगों से मुतलका अदारों ने भी इस किताब को शाया करने से इनकार कर दिया। जमहूरी पब्लिकेशन जो हॉवर्ड्स इनको छापता है, जो कार्ल मार्क्स को छापता है, जो नॉम चॉम्स्की को छापता है, जो पाकिस्तान में बाएं बाजू की किताबें छापता है, और मैं खुद एक बाएं बाजू का एक्टिविस्ट हूं पिछले चार दिहाइयों से ज्यादा, मेरे लिए ये मुश्किल फैसला तो था लेकिन नामुमकिन नहीं था। मैंने ये किताब आफिया अनहर्ड जब छापने का एडिटोरियल बुनियादों पर फैसला किया और अपनी एडिटोरियल टीम के साथ डिस्कस किया, तो मैंने कहा यह एक मुल्जम का मुकदमा है इंसानी हकूक के हवाले से। कोई तरक्की पसंद नहीं हो सकता, प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता, अगर वो इंसानी हकूक पर यकीन ना रखता हो। तो लिहाजा इसलिए मुझे इस किताब पर शाया करने पर देर नहीं लगी। और हमने ऐसी कई किताबें छापी हैं पाकिस्तान में जिनको कोई नहीं छापता। हम गुलो गुलजार, मोहब्बत, शायरी और इश्क दास्ताने और पुरानी किताबें छाप सकते हैं, कारोबार इससे 10 गुना बड़ा हो सकता है। लेकिन हमारा मिशन जमहूरी पब्लिकेशन का यह है कि लोगों तक सच पहुंचे। मैं आफिया सदीकी साहबा के नजरिया से मुत्तफिक नहीं, लेकिन मुकदमे की जो मुकदमे का मामला है उसमें इंसाफ के तकाजे की बुनियाद पर इस किताब को शाया करने का फैसला किया और फिर इसका तर्जमा भी छापा, मुकदमा जो सुना नहीं गया। और जमहूरी पब्लिकेशन में जब किताबों के तराजिम होते हैं, वहीं पर मेरी एक और जिम्मेदारी है कि किताबों के उर्दू के नाम के फैसले की भी इख्तियार हतमी मेरे पास है अपनी टीम के साथ। तो मुझे ये फख्र है कि हम पाकिस्तान में उन किताबों को शाया करते हैं जिसको बड़े से बड़ा पब्लिशर बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े पब्लिशिंग के कारोबारी दावे हैं असल में सारे। लेकिन हमारा दावा है कि हम सच को छापेंगे, हम प्रोग्रेसिव किताबें छापेंगे। और आफिया सिद्दीकी की किताब छापने पर मुझे फख्र है कि मैंने बहसियत तरक्की पसंद, मैं सोशलिस्ट हूं, तरक्की पसंद क्यों हूं, मैं खुल के बात करने वाला हूं, मैंने ये किताब छापी और इस किताब को शाया करके मुझे इत्मीनान है कि पाकिस्तान के अंदर हमने ये साबित किया कि तरक्की पसंद इंसानी हकूक के, इंसाफ के, किसी के साथ भी इंसाफ हो, किसी के साथ, हर मुल्ज़िम का हक है इंसाफ, तो आफिया सदीकी का भी हक है कि उसको इंसाफ मिले। मैं दाऊद गजनवी साहब का बड़ा मदा हूं, वो एक प्रोफेशनल वकील है, जिस तरह उन्होंने इस मुकदमे को डील किया और इस मुकदमे के से मुतलका इस किताब को मुझे ब्रीफ किया और फिर मैंने पढ़ा, मैं उनका भी मदा हो गया हूं। तो मुझे फख्र है कि आज ये किताब शाया होने के बाद इंग्लिश में, उर्दू में, लाहौर में इसकी तकरीब हो रही है और दुनिया का सबसे बड़ा दानिश्वर नॉम चॉम्स्की, वो भी प्रोग्रेसिव है,
वो भी आपके साथ बात करने जा रहे हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।